अस्सलाम वालेकुम क्लास फाइव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ और लेसन नंबर 10 विच इज टेक्नोलॉजी एंड एवरीडे लाइफ। सो द टॉपिक इज स्पिरिट लेवल। सो हैव यू एवर हर्ड दिस नेम स्पिरिट लेवल? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द इमेजेस कि व्हाट इज स्पिरिट लेवल, कि स्पिरिट लेवल कैसा होता है। ठीक है, दिस इज द स्पिरिट लेवल, यू कैन सी हियर। एंड द नेक्स्ट वन, दिस इज द स्पिरिट लेवल विथ थ्री ट्यूब्स, एंड दिस इज द स्पिरिट लेवल ऑल्सो विथ थ्री ट्यूब्स। ओके, नाउ हम देखते हैं कि व्हाट इज ट्यूब्स एंड व्हाट इज स्पिरिट लेवल, and this is also the spirit level with three tubes. Now there are some spirit levels with only single tube. अच्छा, ये lecture जो है हमने class में भी describe किया था, but here we will learn with detail. ठीक है, so हम देखते हैं कि अब spirit level क्या है। A spirit level is an instrument designed to check whether a surface is horizontal or not. अच्छा, स्पिरिट लेवल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम देखते हैं कि जो भी चीज़ बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर मेकिंग अ टेबल, कारपेंटर्स जैसे एक टेबल बनाते हैं तो देखने के लिए कि उसका जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल है या नहीं। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड, ये तीनों चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं, हम देख सकते हैं थ्रू द स्पिरिट लेवल। इट इज़ एक्चुअली द लाइक द स्केल जिसके ऊपर हम नंबरिंग करते हैं। जैसे आपका स्केल है ना, तो हम स्ट्रेट लाइन स्केल्स के थ्रू लगाते हैं। आपको पता है ना, आप स्ट्रेट लाइन स्केल्स के थ्रू लगाते हैं। अगर हम स्केल नहीं यूज़ करते तो हमारी लाइन्स थोड़ी सी जो है इधर उधर हो जाती हैं, स्ट्रेट नहीं लगती। तो हम अपने मार्जिन लाइन्स लगाने को हमेशा हम जो है वो क्या यूज़ करते हैं, स्केल्स। ठीक है, जो आपके पास होते हैं। सो अब ये जो स्पिरिट लेवल है ये यूज़ करते हैं कारपेंटर्स और बहुत से दूसरे जो है प्रोफेशनल्स भी यूज़ करते हैं। और ये हम बाद में देखेंगे इन द लास्ट स्लाइड्स कि और कौन यूज़ कर सकता है, बट जो कारपेंटर्स यूज़ करते हैं वो अपनी किसी भी लाइक दे आर मेकिंग एन टेबल, दे आर मेकिंग अ टेबल और एनी अदर थिंग, तो उसके लेवल को देखने के लिए कि वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो उसके लिए वो यूज़ करते हैं स्पिरिट लेवल। अच्छा, अब स्पिरिट लेवल को स्पिरिट लेवल क्यों कहा जाता है? ठीक है, अ स्पिरिट लेवल गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द मिनरल स्पिरिट सॉल्यूशन इनसाइड द लेवल्स। अच्छा, अब इसके अंदर होता है ट्यूब। ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर इट हैज़ ओनली टू ट्यूब्स, दिस वन। ठीक है, लाइक यू कैन सी हियर दिस वन एंड दिस वन, टू ट्यूब्स। अब इन दोनों ट्यूब्स में क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन। ठीक है, जो स्पिरिट सॉल्यूशन भी हो सकता है या एथेनॉल, कोई भी दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है जिसके हम अंदर डालते हैं, जो हमें हेल्प करता है लेवल्स को स्ट्रेट करने में। ठीक है, अब ये दो हमारे पास ट्यूब्स हैं, होती हैं स्पिरिट लेवल में। किसी स्पिरिट लेवल में एक ट्यूब होती है, किसी में दो और किसी में तीन। अब इनकी जो है वो फंक्शनिंग क्या है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट हमने देखा कि स्पिरिट लेवल को स्पिरिट लेवल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो होती हैं ट्यूब्स होती हैं जिसमें एक जो होता है सॉल्यूशन होता है, मिनरल सॉल्यूशन। ठीक है, स्पिरिट का हो सकता है और वो कोई भी हो सकता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द स्पिरिट लेवल। सो अब हम ट्यूब्स की तरफ आते हैं कि इसमें थ्री ट्यूब्स, जिसमें स्पिरिट लेवल में थ्री ट्यूब्स होती हैं। फर्स्ट होती है फॉर मेजरिंग वर्टिकल प्लेन, मतलब वर्टिकल उसकी सरफेस आइडेंटिफाई करने के लिए। सेकंड जो होती है वो हॉरिजॉन्टल आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड थर्ड वन इंक्लाइंड आइडेंटिफाई करने के लिए विच इज़ ऑन 45 डिग्री एंगल्स। सो यू कैन सी हियर ये स्पिरिट लेवल है जिसकी हमारे पास कौन कितनी ट्यूब है, 1, 2 एंड 3। अब यू कैन सी हियर कि हाउ कारपेंटर इज यूजिंग दिस स्पिरिट लेवल, this one with three tubes,
एंड हियर यू कैन ऑल्सो सी द स्पिरिट लेवल, कि किसी भी चीज़ को, लकड़ी को एक बैलेंस रखने के लिए, हॉरिजेंटल वर्टिकल रखने के लिए, तो ये अब हॉरिजेंटल लेवल के लिए यूज़ कर रहे हैं स्पिरिट लेवल। एंड नाउ यू कैन सी हियर वर्टिकल के लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। सो अब स्पिरिट लेवल कौन कौन यूज़ करता है? स्पिरिट लेवल कारपेंटर्स यूज़ करते हैं जो लकड़ी का काम करते हैं, मैसन्स यूज़ करते हैं जो मिट्टी का काम करते हैं, जैसे मामार होते हैं मिट्टी की चीज़ें बनाते हैं, फ्रेम मेकर्स जो फ्रेम्स बनाते हैं, सीनरीज बनाते हैं, इलेक्ट्रिशियंस जो बिजली का काम करते हैं, एंड प्लम्बर्स जो पाइप्स वगैरह का या वाटर जो सीवेज वगैरह का काम करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका लेक्चर था आज का, और जो है वो आई एम श्योर कि आपको समझ आ गई होगी। और बिकॉज ऑफ सम इशू मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से आप मेरी आवाज़ कुछ हैवी थी, और उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो आई एम श्योर आपको लेसन जो है अच्छी तरह से समझ आया होगा। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।